इन्फिनिक्स 10,000 रुपीज़ के अंदर लॉन्च कर दिया इन्फिनिक्स हॉट 10। टेक्नो ने लॉन्च कर दिया टेक्नो कैमोन 16। देखा जाए तो इन्फिनिक्स हॉट 10 और टेक्नो कैमोन 16 के साथ कड़ी से कड़ी टक्कर देने के लिए कूलपैड ने लॉन्च कर दिया उसका ब्रांड न्यू स्मार्टफोन कूल 6। गैस देखा जाए तो इन्फिनिक्स हॉट 10 और टेक्नो कैमोन 16 से कई गुना बेटर स्मार्टफोन है कूलपैड का कूल 6। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कूलपैड का कूल 6 क्या खास स्पेसिफिकेशन के साथ इंडिया में आता है, क्या स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए कि नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए ये वीडियो अब लास्ट तक जरूर देखते रहिए। हेलो गाइस, मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं मिस्टर संजय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए, उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला बात किया जाए स्मार्टफोन की कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। पहला बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। स्मार्टफोन आने वाला है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ और स्मार्टफोन के पीछे की तरफ रहने वाला है ट्रिपल कैमरा सेटअप, एलईडी फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर। और फ्रंट साइड की तरफ देखा जाए तो स्मार्टफोन आता है फुल व्यू डिस्प्ले के साथ। यहाँ पर कुछ भी नॉइज वगैरह नहीं रहने वाला है, यहाँ पर रहने वाला है पॉप अप सेल्फी कैमरा और इसका डिस्प्ले का जो बेजल और नीचे जो चेन होगा काफी छोटा भी होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं इस कूल 6 का डिस्प्ले के बारे में। स्मार्टफोन आता है 6.53 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ। यहाँ पर कुछ भी नॉच वगैरह नहीं रहने वाला है क्योंकि गाइस स्मार्टफोन आने वाला है फुल व्यू डिस्प्ले के साथ और इसका डिस्प्ले का जो बेजल और नीचे जो चेन होगा काफी छोटा भी होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की प्रोसेसर के बारे में। ये जो स्मार्टफोन है गेमिंग स्मार्टफोन है क्योंकि गाइस स्मार्टफोन आता है मीडियाटेक की तरफ से P70 चिपसेट के साथ जो कि ऑक्टाकोर चिपसेट है। इसका जो क्लॉक स्पीड रन करता है 2.3 गीगाहर्ट्ज़ में। स्मार्टफोन के अंदर आप पबजी मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी और फ्री फायर जैसा गेम बहुत ही आसानी से खेल पाओगे। बात किया जाए स्मार्टफोन की कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में। स्मार्टफोन आता है पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ। इसका जो प्राइमरी सेंसर होने वाला है 48 मेगापिक्सल, उसी के साथ 2 मेगापिक्सल है माइक्रो लेंस के लिए और 2 मेगापिक्सल होगा डेप्थ सेंसर। बात किया जाए स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरा के बारे में। स्मार्टफोन आता है 21 मेगापिक्सल पॉप अप सेल्फी कैमरा के साथ। ऐसे भी गाइस कूलपैड स्मार्टफोन का कैमरा बहुत ही अच्छा खासा होता है। बात किया जाए स्मार्टफोन की बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में। स्मार्टफोन आता है 4000 mAh बैटरी के साथ और यहाँ पर है टाइप सी पोर्ट और स्मार्टफोन आता है इनबॉक्स 10 W का चार्जर के साथ। बात किया जाए स्मार्टफोन की स्टोरेज वेरिएंट के बारे में। स्मार्टफोन आता है 4GB 64GB वाला वेरिएंट के साथ। यहाँ पर रहने वाला है इनबॉक्स एंड्रॉइड 10 और स्मार्टफोन के अंदर मिलने वाला है 3.5mm ऑडियो जैक। इसके बाद बात किया जाए इतना अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला कूलपैड का कूल 6 का प्राइस के बारे में। स्मार्टफोन आता है 4GB 64GB वाला वेरिएंट के साथ और इसका जो प्राइस इंडिया में है 10,999 रुपीज। इसके बाद आता है कूलपैड कूल 6 कैसा होने वाला है, क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं। ऐसे भी गाइस स्मार्टफोन जो सारा स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है काफी अच्छा खासा स्मार्टफोन और दोस्तों स्मार्टफोन किलर होने वाला है इन्फिनिक्स हॉट 10 का और टेक्नो कैमोन 16 का। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। ऐसे भी गाइस इस चैनल पर स्मार्टफोन का कैमरा रिव्यू, गेमिंग रिव्यू और दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग वगैरह आने वाला है, इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल में क्लिक करिए। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन वगैरह है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।